हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अविले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा सातवीं से लेकर कक्षा बारहवीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। क्योंकि हमने संघवाद के बारे में बात कर ली है तो हम ये जानेंगे कि संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। ये टॉपिक है कक्षा दसवीं के राजनीति विज्ञान के अध्याय दो संघवाद का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संघीय व्यवस्था चलती कैसे है। संघीय व्यवस्था के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। तो अब एक शब्द आ गया जिसको आप कहेंगे संवैधानिक प्रावधान। इनके बारे में कहा जा रहा है कि जरूरी है लेकिन ये क्या है, इनको पर्याप्त नहीं कहा जा रहा है। तो अब ये संवैधानिक शब्द से मतलब क्या होता है, सबसे पहले संवैधानिक शब्द क्या होता है उसको जानेंगे। उसके बाद एक शब्द है प्रावधान, उसको जानेंगे। संवैधानिक का मतलब होता है कि जिस चीज की व्यवस्था संविधान नाम की जो किताब आप पढ़ते हैं, है ना, संविधान जो हर एक देश का अलग अलग संविधान होता है। जैसे ये क्या हो गई, इसको आप कह देंगे भारत का संविधान। तो इस भारत के संविधान के अंदर अगर व्यवस्था कर दी गई है, संविधान में लिख दिया गया है, तो उसको क्या कह देंगे, उसको संवैधानिक कहेंगे। अब किसी चीज से जुड़ी कोई प्रावधान कर दी गई, कोई व्यवस्था कर दी गई, तो उसको कहते हैं प्रावधान। मतलब उसको स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है कि चुनाव ऐसे होगा, वोट ऐसे डाला जाएगा, ये तरीका है, तो उसको क्या कहते हैं, जब तरीका पूरा डिफाइन कर दिया गया तो उसको प्रावधान कहा जाता है, संवैधानिक प्रावधान। है ना, कि संवैधानिक प्रावधान जो है मतलब संविधान में जिनकी व्यवस्था कर दी गई, संविधान में जिनको लिख दिया गया, उनको क्या कहते हैं, संवैधानिक प्रावधान कहते हैं। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधान जो है वो जरूरी है। मतलब जरूरी क्यों है, और साथ में एक और शब्द लिखा है कि अपर्याप्त है, अपर्याप्त है। तो अब ये जरूरी और अपर्याप्त का मतलब क्या हो गया। तो जरूरी का अगर आप मतलब देखेंगे, जरूरी इसलिए है कि दुनिया का कोई भी देश जब बनता है तो आप ये नहीं कह सकते कि हर व्यक्ति सब कुछ जानता है, हर व्यक्ति सबको समझता है। पैदा होने के साथ ही लोग समझना स्टार्ट कर दे, चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं। हो सकता है मेरी भावना अच्छी रहे तो मैं लोगों को अच्छे तरीके से बताऊं। अगर ये संविधान व्यवस्था नहीं होती और मेरी भावना अच्छी है तो मैं सबको बताऊंगा कि नहीं ऐसे ही चला आ रहा है, मेरे दिमाग में कुछ कीड़ा आ गया, गड़बड़ करना है कुछ, हमने कुछ गड़बड़ बताना चालू किया। और बताते बताते आपने देखा है कि नेगेटिव चीज या गलत बात जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ज्यादा तेजी से प्रभाव आपके ऊपर आता है। अभी पढ़ने के लिए किताब खोल लो और एक पिक्चर आ जाए, एक वीडियो आपको देखना हो और एक पिक्चर देखनी हो, आपको पिक्चर देख डालोगे, वीडियो देखने में आपको कष्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे लाभ की चीज होती है, दवाई कितनी कड़वी होती है, खाने में कितनी खराब लगती है, और कोई गड़बड़ चीज आपको मिल जाए, अभी मीठा ईठा खाना हो कुछ और कुछ गड़बड़ करना हो, लोग तुरंत खा लेते हैं। लोग कहते भी हैं कि जो शराब पीते हैं वो शराब टेस्ट में बड़ी खराब लगती है, लेकिन फिर क्यों गटगट पी के नाली में पड़े रहते हैं। तो समझने का मतलब ये कि नेगेटिव चीजें आपको अट्रैक्ट करती है, इसलिए कि अगर हम इसका प्रावधान संविधान में नहीं करते, नहीं लिखते, तो कोई गलत व्यक्ति आ जाए और उसे गलत तरीके से डिफाइन कर दे, गलत तरीके से बता दे, तो फिर क्या हो। इसलिए जरूरी है कि लिखो आप, ताकि कम से कम जरूरी चीजें लिखी रहे, उनको तो आसानी से बदला ना जा सके। बोले अच्छा तुम ऐसी बात करो, किताब खोलो संविधान की, उसमें तो ऐसा लिखा है, तो कोई घुमा फिराकर बात ना कर पाए। समझ में आई बात। अपर्याप्त इसलिए है कि अगर आप देखें कि आज के जमाने में आप बात करें तो एक कंप्यूटर नाम की चीज आ गई है और एक सॉफ्टवेयर नाम की चीज आ गई है। तो जब संविधान लिखा गया था उस टाइम पर इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। समय के साथ चीजें बढ़ते जा रही हैं, पता नहीं तरह तरह की चीजें आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि जब पढ़ते होंगे उस टाइम पर, तो उस टाइम पर एक ऐसी पार्टी बनती थी, आपने शायद किसी ने कोई नहीं पढ़ा होगा, आप में से जो वीडियो देख रहे होंगे, एक ऐसी पार्टी बनती थी। अगर आप गांव देहात में पढ़ते हो, स्लेट भी नहीं होती थी, पार्टी होती है, और एक होता था बोरका। बोरका मतलब क्या है, बोरका का मतलब यह है कि एक इसमें काला काला भरा रहेगा और ये सफेद रहेगा। अपन एक कपड़ा ले लेंगे और क्या करेंगे कि जब भी लिखना होगा तो इस पर क्या करेंगे, काला कपड़ा सफेद कपड़ा इसमें, काला कपड़ा इसमें काले कपड़े में डाला और इसको क्या कर दिया, इसको पूरे को काला कर दिया, इसको पूरे को पार्टी को क्या कर दिया, ऐसे करके पूरे को काला कर दिया। अब क्या करेंगे, एक कलम बना लेंगे। कलम कहाँ से, कोई स्पेशल कलम नहीं लाएंगे, कोई भी पेड़ की लकड़ी काट लेंगे, खाड़ू वाड़ू हो गई कुछ, है ना, कुछ भी अपन ने निकाल ली, बांस की निकाल ली और उसको कलम बना ली पेन से। कोई कैसी कलम बना लेंगे, तो कलम आपकी कुछ बन जाएगी इस तरीके से, है ना, ऐसी आपने कलम देखी होगी। ऐसी कलम आपने देखी, बस इसको क्या करेंगे, सफेद में डुबोएंगे, यहां पर सफेद में डुबोया और लिखना स्टार्ट कर दिया कि भैया मैं अपना ही नाम लिख देता हूं, ये लिख दिया। तो
ऐसे लिखते हैं, जब इसको मिटाया ना, इसमें डाला, फिर इसमें क्या कर दिया, इसमें तुरंत गए और ये अपन ने काला कर दिया, ये मिटा दिया। तो ये पार्टी बोर्ड का जमाना था, संविधान वाले क्या इसको लिखते क्या? फिर इसके बाद स्लेट आ गई, स्लेट के बाद कॉपी आ गई, कॉपी के बाद डिजिटल नोट आ गया, डिजिटल नोट के बाद वॉइस नोट आ गया, स्मार्ट बोर्ड आ गया, पता नहीं तरह तरह की चीजें आ गई। तो व्यवस्था क्या है कि संविधान में तो सिर्फ पढ़ाई की बात की गई होगी, उन्होंने बताया होगा कि शिक्षा का अधिकार जो है वो सबको मिलना चाहिए, लेकिन कैसे मिले? अब उस जमाने में ये पार्टी का सिस्टम चल रहा है, मतलब इस तरीके से, आज के जमाने में कोई और सिस्टम चल रहा है तो उस तरीके से। तो शिक्षा मिलनी चाहिए जो भी जमाने के हिसाब से चलती हो, इसलिए कहा गया है कि बहुत सारी चीजें अपर्याप्त भी हैं। क्लियर बात यहां तक की? चलिए अब आप देखेंगे भारत जो है, भारत में संघीय व्यवस्था कारगर हुई है। कारगर का मतलब क्या है कि सफल रही है, और सफल होने के पीछे कारण क्या है? तो आप भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको भी आप एक बार समझ लो कि संघीय व्यवस्था कैसी है भारत की, अगर हम इसको देखना चाहें तो भारत की संघीय व्यवस्था कैसी मिलेगी। अगर मैं बनाऊं आपको ठीक है, ये आप एक तिकोना इसलिए बनाया है क्योंकि संघीय व्यवस्था में जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे चीजें फैलती चली जाएंगी। जैसे सबसे पहले आपके पास एक चीज है जिसको आप कहते हैं संघ सरकार, फिर एक दूसरी चीज है जिसको आप कहते हैं राज्य सरकार, और निचले स्तर पर हम आते जाएंगे। देखिए क्या है, सबसे ऊपर क्या है, इसको कहेंगे आप संघ सरकार या केंद्र सरकार, संघ या केंद्र, या अंग्रेजी में कहते हैं हम इसको यूनियन। इसके नीचे जो चीज आ जाएगी उसको आप क्या कह देंगे, राज्य सरकारें कह जाएंगी। क्या कहलाएंगी? राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट उसको कहते हैं। और इसके नीचे क्या जाएंगे, इनको कहा जाता है स्थानीय सरकार। क्या कहा जाता है? स्थानीय सरकार। लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात की जा रही है यहां पर। अब स्थानीय सरकारें आपको दो प्रकार की देखने को मिलेंगी, कैसी? एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए देखने को अलग मिलेगी, और एक शहरी क्षेत्र के लिए देखने को आपको अलग मिलेगी, अभी हम बात करेंगे। तो भारत की संघीय व्यवस्था में आपने तीन स्तर देखे, पहला, दूसरा और तीसरा। सामान्य तौर पर स्टार्टिंग में, प्रारंभ में केवल ये दो स्तर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आप संघ सरकार और राज्य सरकार कहते हैं। संघ मतलब क्या हो गई? जो देश के लिए, पूरे देश के लिए होगी। किसके लिए? पूरे देश के लिए है, वो क्या हो गई? आपकी संघ सरकार हो जाती है। और देश के अंदर जो छोटे छोटे राज्य बने हैं उनके लिए जो सरकार बनी है उसको क्या कहेंगे? राज्यों के लिए है, तो ये क्या कहलाएगी? राज्य सरकार कहलाएगी। लेकिन इसके नीचे और छोटे गांव और देहात आते हैं, वो कैसे अपने काम करवाएं? तो वो गांव और देहात और शहर जो है उनके लिए भी सरकारें बना दी, उसको क्या कहते हैं? स्थानीय सरकार। ग्रामीण स्तर पर वो सरकार जो काम करती है उसको कहते हैं, वो व्यवस्था कहलाती है पंचायती राज। क्या कहलाती है? पंचायती राज। इसमें तीन स्तर का मिलेगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। शहरी में आपको मिलेगा क्या? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगरीय निकाय आपको देखने को मिलेगा, है ना? क्या? नगरीय निकाय आप यहां पर ये देख पाएंगे। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था कारगर हुई है, वो संघीय व्यवस्था का ढांचा कुछ इस तरीके का। टॉप पर केंद्र सरकार, उसके नीचे कई सारे राज्य जितने भी हैं वो, उसके नीचे अलग अलग राज्यों की स्थानीय सरकारें। समझ में आई बात? तो ये क्या है? भारत की संघीय सरकार का ढांचा है। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे यहां पर कि ये सफल होने के कारण इसके क्या रहे हैं। इसके कारण क्या है? संवैधानिक प्रावधान जो थे, संवैधानिक प्रावधान में दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, संविधान में जो लिखी गई बातें हैं उनके साथ साथ इसकी सफलता का मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ की जो लोकतांत्रिक राजनीति का जो चरित्र है, हम जिस तरीके से राजनीति करते हैं, भारत में जितनी हेल्दी पॉलिटिक्स होती है उसको भी जाता है, लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को भी इसका श्रेय जाता है। इसके अलावा आप देखें, संघवाद की भावना, विविधता का आदर, संघ साथ रहने की इच्छा जो होती है वो, तो ये सब क्या है? इन सब ने, है ना, यह सब हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में शामिल होना इससे सुनिश्चित हो पाया है। अब कुछ और बातों पर गौर करते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि ये काम किस प्रकार से हो पाया है। हम एक एक करके बातों पर देखेंगे क्या है, कैसे है, है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे कैसे ये सुनिश्चित हो पाया है। अगले वीडियोज में हम उनके बारे में बात करेंगे, है ना। अब आप ये एक नक्शा देख पा रहे होंगे, नक्शा देखेंगे तो इसमें आपको दो प्रकार के भारत देखने को मिल रहे होंगे। कैसे दो प्रकार के? अगर आप देखें यहां पर तो ऐसा आप देख पा रहे हैं। दो प्रकार का मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये भी पहले भारत था लेकिन अब ये क्या बन गया है? अब ये बन गया है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ ये वाला इलाका भी जाता है जिसको पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, आजकल इस इलाके को क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं। क्या कहते हैं? बांग्लादेश कहते हैं। पहले ये भी पाकिस्तान था। आप देख पा रहे होंगे कि ये देश हम आजाद हुए 47 में, उसके साथ भारत में कई सारे प्रांत आपको देखने को मिले, अलग अलग तरीके के प्रांत आपको देखने को मिले।
हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद, बड़ौदा, इंदौर, भोपाल, इलाहाबाद, जबलपुर, है ना, बहुत सारी रियासतें आपको छोटी छोटी देखने को मिलेंगी। तो हमें बात यही अब आगे हम करेंगे कि ये जो संघवाद का जो कॉन्सेप्ट है भारत में वो कैसे चला, अगले वीडियोस के अंदर हम उसको देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा के लिए जाना जाता है, मतलब आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। ये आप हमारे टॉप कोर्सेज देख सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, आपसे एक रुपए का भी पेमेंट यहाँ पर नहीं लिया जाता, आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। हमारे वीडियो आप कहाँ देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल्स पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे एप्लीकेशन पर आप बिल्कुल निःशुल्क देख सकते हैं, कोई पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। अगर आप कनेक्ट करते हैं वहां पर सर्च करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स तो मिलेगा, और बस आप हमसे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, वहां भी आप हमारे सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई डाउट वगैरह है तो वहां भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर अपने डाउट पूछें, आपको अगर कोई डाउट है तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, साथ ही साथ ये भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।